आ गया बदलाव का समय, वक्फ बोर्ड में किया जाएगा बड़ा संशोधन, अब सबसे ऊपर रहेगा संविधान, वक्फ की कहां और कितनी जमीनें। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आज हम बात करेंगे कि वक्फ पे कितनी जमीनें हैं और हमारे देश में कहां कहां वक्फ की कितनी जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की तैयारियां जारी हैं। खबर है कि केंद्र सरकार संशोधन को लेकर जल्द ही बिल पास कर सकती है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि सदन में प्रस्तावित विधेयक कब पेश होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। इनमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। खास बात है कि प्रस्तावित बिल में संपत्तियों को मूल्यांकन के लिए कलेक्टर के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है, जबकि ऐसी बात है तो वामसी यानी वक्फ एक्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 8,72,321 अचल और 16,713 चल संपत्तियां हैं। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबकि किसी राज्य में कितनी प्रॉपर्टी है ये हम आपको अब बताते हैं। अंडमान एंड निकोबार में 151, आंध्र प्रदेश स्टेट में 14,685, असम बोर्ड ऑफ वक्फ में 2,654, बिहार स्टेट में शिया में 1,750, जबकि बिहार स्टेट सुन्नी में 6,866, चंडीगढ़ में 34, छत्तीसगढ़ स्टेट में 4,230, दादरा एंड नगर हवेली में 30, दिल्ली में 1,047, गुजरात स्टेट में 39,940, हरियाणा में 23,266, जबकि हिमाचल में 5,343 जमीन हैं। जम्मू एंड कश्मीर और वक्फ बोर्ड में के पास लगभग 32,533 जगह जमीन है, जबकि झारखंड स्टेट में सुन्नी के पास 698 जगह है। कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ में 62,830, केरल स्टेट में 53,279, लक्षद्वीप स्टेट में 896, मध्य प्रदेश में 33,472, महाराष्ट्र में 36,701, मणिपुर में 987, मेघालय में 58, उड़ीसा में 10,314, पुडुचेरी में 693, पंजाब में 75,965, जबकि राजस्थान में 30,895 एकड़ जमीन है, तमिलनाडु में 66,092 एकड़ जमीन है, तेलंगाना स्टेट में 45,682, त्रिपुरा में 2,814, यूपी शिया बोर्ड के पास 15,386 जगह जमीन है, जबकि यूपी सुन्नी के पास 217,161 जमीन है, उत्तराखंड में 5,388, पश्चिम बंगाल में 80,480 और लगभग कुल मिलाकर 8,72,321 एकड़ जमीन हो जाती है। देश में आज़ाद होने के साथ 7 साल बाद 1994 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित हुआ। तब देश में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उनकी सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई थी। हालांकि बाद में इसे निरस्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद एक साल ही बाद 1955 में फिर से नया वक्फ अधिनियम लाया गया। इसमें वक्फ बेड़ों के बाद अधिकार दिया गया। 9 साल बाद 1964 में केंद्रीय ने परिषद का गठन किया और उसके बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिनियम इसे दिया गया। इसका काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में संसद को सलाह देना था और केंद्र को भी सलाह दे सकता था। वक्फ परिषद के गठन के लगभग 30 साल बाद 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया। उस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। इधर अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा ने मुख्तार अब्बास नकवी ने विचार और विमर्श करके एक्स पर कहा कि वक्फ की कार्यशैली में टच भी मत करना, अगर आपने इसे छुआ तो दिक्कत हो सकती है, जबकि सियासत से बाहर आना होगा और हमें इन सब पे काम करना होगा, हम ऐसे किसी की बात नहीं सोचकर चल सकते। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।